हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत छोटा है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप केबल की जो RJ6 केबल आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको जो कनेक्टर लगाना पड़ता है, तो आप अच्छे कनेक्टर लेंगे तो क्वालिटी की कनेक्टर, तो आपको वहाँ पे कंप्रेस करने में दिक्कत आती है। अगर आप लोकल कनेक्टर लगाते हैं तो वो पानी के या बारिश के मौसम में वहाँ पे पानी आते हैं और वो ज़्यादा दिन तक वो टिकते नहीं है। ओके, तो ख़राबी आती है तो आपको फिर से उसको कनेक्ट करना होता है, फिर से उसको काटना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मैं एक अच्छे कनेक्टर के साथ मैं कैसे कंप्रेस किया जाए, आपके घर बैठे आप घर बैठे ही कर सकते हैं, आपके पास जो भी टूल है उसको यूज़ करके, तो उसके बारे में जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो दोस्तों आगे जाने से पहले मेरे इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। अगर आप पहली बार मेरे चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। पहले दोस्तों आपको जो RJ6 केबल है वो आपके हिसाब से उसको माप के उसको काट लेना है। तो मैंने काट लिया और उस पार्ट को थोड़ा फास्ट कर दिया, आप लोगों की समय मैं ज़्यादा नहीं लेने वाला इस वीडियो में। तो कनेक्टर को लगाने के बाद आपको एक होल पे या मिडिल वाला पोर्शन नहीं रहेगा, उसी प्लेस पे आपको इसको रखना है। तो यहाँ पे एक होल था उसके ऊपर मैंने रखा और प्लस के द्वारा इसको मैं हल्के से उसके ऊपर रख रहा हूँ, यानी प्रेशर मैं देने वाला हूँ तो प्रेशर इसके कनेक्टर के ऊपर आएगी, केबल के ऊपर नहीं है। ओके, तो इस पर मैं हैमर के द्वारा इसके ऊपर थोड़े से मैं यहाँ पे प्रेशर देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखना, ओके, इस तरह से आपको हर साइड पे थोड़ा थोड़ा करके हल्के से प्रेशर देना। ओके, ज़्यादा नहीं देना दोस्तों, बहुत हल्के से प्रेशर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वायर था वो इसके अंदर ठीक से एकदम करेक्ट से आ गया है, ज़्यादा कम नहीं है, जितना आना था वही आए हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से ये कंप्रेस हो गया है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया और ये ट्रिक्स आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।